नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित त्यागी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और अभी हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज फोर की लेटेस्ट अपडेट के साथ। और ये इस पूरी अपडेटेड वीडियो का पार्ट टू है, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए हैं और काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि मैं उन्हें रिपीट ना करूं इस वीडियो में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा। तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वो भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भोजपुर इंटरचेंज जो कि फेज़ फोर पास हो रहा है मोदी नगर पिलखवा रोड से, और एक तरीके से 32 किलोमीटर का ये पैच पड़तापुर से जो स्टार्ट होता है मेरठ वाली साइड से और गाज़ियाबाद के डासना तक जाता है, उसके सेंटर में कहीं मोदी नगर पे लखवा रोड पड़ती है। तो लेट्स सी कि वहाँ पे कितना काम हो गया है, क्या वहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, तो आप खुद ही देख के वो डिसाइड कीजिएगा। अभी आपको समझने के लिए बता दूँ कि हम पड़तापुर वाली साइड से गाज़ियाबाद के डासना तक जा रहे हैं। तो ये देखिए, अभी हम आ चुके हैं जो भोजपुर में रोड के ऊपर ओवरब्रिज है वहाँ पर, और देखते हैं क्या इसके ऊपर से पार किया जा सकता है या नहीं, या ये ब्रिज अभी भी जोड़ना रह रहा है। तो ये देखिए, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन पैच है, और नीचे से मतलब थोड़ा आगे से मोदी नगर पिलखवा रोड जा रही है। राइट में मोदी नगर है और लेफ्ट में पिलखवा, तो स्ट्रक्चर से ऊपर से जाना मुश्किल भी है और इंटरचेंज दिखाना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे ऊपर से जा रहा है, आगे ये मोदी नगर पिलखवा रोड आई, लेफ्ट में पिलखवा, राइट में मोदी नगर, और जितना मैं देख पा रहा हूँ तो ये जो बजरी और ये बदरपुर डाल रखा है, इससे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर रोड बनेगी और एंट्री और एग्जिट भी होगी। तो यहाँ पे जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे बार बार कि भाई भोजपुर में इंटरचेंज होगा क्या, भोजपुर में इंटरचेंज होगा, तो मैं उनको बता दूं कि हाँ, भोजपुर में इंटरचेंज है और देख के ऐसा ही लग रहा है। तो ये इलाके के इस साइड के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी कि ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट के साथ जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फेज फोर है, जो एक्सेस कंट्रोल है, मतलब आप कहीं से भी अपनी कार नहीं इसके ऊपर ला सकते, मतलब एंट्री और एग्जिट निर्धारित है, आप उन्हीं से इस पर आ सकते हैं और कुछ ही एग्जिट पॉइंट से निकल सकते हैं। तो इसके बाद आपकी तीन जगह से एंट्री और बल्कि चार जगह से एंट्री और एग्जिट होगा फेज फोर पे। तो डासना जहाँ से इसकी शुरुआत है अगर दिल्ली की साइड से हैं, दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तीसरा हमारा ये मोदी नगर पे लखवा रोड पे भोजपुर, और चौथा पड़तापुर इंटरचेंज जहाँ पे इसका अंत है मेरठ की साइड। ये देखिए, एक और हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन पैच, और ये देखिए आप, काफ़ी काम यहाँ पे भी तेजी से चलता हुआ। तो आइए, तो आगे मैं कुछ और बात आपसे करना चाहूँ। इससे पहले मैं सभी अपने दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मतलब शब्द मेरे पास कम है आप लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए, आपका आभार प्रकट करने के लिए कि सिर्फ मतलब दो महीने से हल्का से ऊपर में ये चैनल मोनेटाइज हो पाया, और इट ऑल स्टार्टेड विद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। मतलब काफ़ी दिल के करीब ये प्रोजेक्ट, 2008 से तो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, 2005 में ये कागज़ों में आया। तो और आपके इतने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स कि
वजह से ये मेरे को जिसने मोटिवेट किया कि हाँ मैं इसकी और अपडेट्स दूँ, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट्स की नहीं बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स मतलब जिनमें मुझे इंटरेस्ट है और जो अभी नेशनल लेवल पे चल रहे हैं उनकी, जैसे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और भी NHAI या दूसरी संस्थाएं जिन पे काम कर रही हैं। सो थैंक्स अ लॉट, और आपके कमेंट्स की वजह से मतलब इतना मोटिवेशन आता है। तो कुछ लोग तो मतलब इस लेवल पे जाके कमेंट करते हैं कि मैं ब्लश मारता हूँ। तो गाइस थैंक यू वेरी मच आपके सभी कमेंट्स के लिए, शेयर लाइक्स के लिए, और इतने कम समय में 1,000 सब्सक्राइबर पार हो जाने के लिए आपके अपने चैनल पे। तो थैंक्स अ लॉट। अब आते हैं हम, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इस एक्सप्रेसवे का जैसे जो डेडलाइन है 2020, तो गडकरी जी ने अभी हाल ही में एक वीडियो रिलीज करी, मैंने भी उसमें से वॉइस ओवर देके पीछे से कमेंट्री करी कि उसमें उन्होंने क्लियरली बोला, और वैसे भी कई बार इस चीज़ का कमिटमेंट कर चुके हैं कि हाँ 2020 के अंत तक, दिसंबर 2020 तक हम इसको पूरा कर देंगे, और उसी लक्ष्य से काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यार जब देखिए और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जब इतना अभी काम बचा हुआ है तो आप कहते हो कि काम काफ़ी हो गया है, काम काफ़ी हो गया है, और मतलब कैसे 2020 तक हो जाएगा। तो मैं मतलब एक देखिए, मैं हो सकता है मन में कॉन्फ्लिक्ट करता हूँ उस चीज़ से, और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये गडकरी जी के वर्ड्स हैं कि 2020 तक, दिसंबर 2020 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी पर्सनली आप काफ़ी वैसे पूछना चाहते हैं कि कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, तो वो आप डिसाइड कीजिए। मैं तो ये मैच देखना चाहता हूँ पूरा, और मैच फंसा हुआ है कि क्या होगा पता नहीं, पर आपने देखा है कि जिस तरह से क्रिकेट के मैच में टीम कभी कभी किस तरह का परफॉर्म करती है, बहुत ही मतलब एम्बिशियस टारगेट है, मैच काफ़ी फंसा हुआ है, रन रेट भी अच्छा चाहिए, है ना। तो मैं तो इसे पूरे को इन्जॉय करना चाहूँगा, क्योंकि जितना काम हो गया है उतना भी मतलब आप समझ सकते हैं मेरी मनोस्थिति, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि आप तो मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे कि 4 मंथ बचे हैं, उस हिसाब से यहाँ सालों गुजारे हैं जितना हो गया इसका इंतजार में। तो मैं इस पूरे मैच को एंजॉय करना चाहता हूँ, और दिसंबर 2020 तक ये कंप्लीट होने का एम्बिशियस टारगेट रखा है। मतलब रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का मिनिस्टर ये बोल रहा है, मेरठ की कमिश्नर ये बोल रही है, NHAI ये बोल रही है, तो और PM मोदी खुद इसको इनॉग्रेट करने आएंगे, तो शायद उसी एफर्ट से काम किया जा रहा हो, और थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ अगर ये फैब तक भी हुआ तो मैं उसमें खुश हूँ। पर हाँ लेट्स सी कब तक होता है, और मैं इसको बस उसी नज़र से देख रहा हूँ। ये देखिए एक और अंडर कंस्ट्रक्शन पैच है, और यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से काम चलता हुआ, राइट में एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता हुआ। तो गाइज एक बात और, कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि ये दिसंबर 2020 तक इम्पॉसिबल है कंप्लीट करना, और महत्वाकांक्षी टारगेट तो मुझे भी ये काफ़ी लगता है, पर कुछ लोगों को लगता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और वाकई में इतना एम्बिशियस टारगेट है कि लगनी ये बात जायज़ भी है। तो अगर इस केस में ये दिसंबर 2020 तक कंप्लीट कर पाती है NHAI, तो स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है, मतलब हम क्रिटिसिज्म और क्रिटिक हों NHAI के या सरकार के, वो बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है, पर अगर ये एक्सप्रेसवे 2020 तक कंप्लीट हो जाए दिसंबर तक, तो हमें अप्रिशिएट भी उसी अंदाज़ में करना भी चाहिए, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंक्लूड ना करें, क्योंकि अगर किसान आंदोलन जिस तरह से अब आने वाले टाइम में उग्र होने की उम्मीद है, तो उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को लगाएं तो वैसे ही ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो हाल ही में अभी एक महापंचायत ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें दोबारा से किसान आंदोलन
तेजी पकड़ने की बात हुई, और जहां तक है दोबारा से धरना प्रदर्शन और एक्सप्रेसवे का काम रुकवाया जाएगा, उनकी कुछ मांगे हैं जिसमें एक मांग बहुत ही ज़्यादा उस पर तवज्जो है कि जो रेट उनको मिले हैं वो थोड़े से उनके साथ जस्टिस नहीं किया गया है, और ज़्यादा रेट मिलने चाहिए। आप देख सकते हैं ग्रिड शिफ्टिंग यहाँ से नहीं हुई है, यूटिलिटी शिफ्टिंग, और उसके लिए अगर आप लेफ्ट में देखें तो एक पोल खड़ा किया जा रहा है, ये देखिए आप, तो ये जैसे ही शिफ्ट हो पाएगा तो ये भी जो पैच है जो छूटा हुआ है इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसको मैं और विस्तार से भी दिखाता हूँ, तो ये देखिए आप, यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट होगा आगे काम स्टार्ट होगा। तो उनकी जो मांग है, तो सरकार की एक नीति है कि सर्किल रेट का 4 गुना सरकार मुआवजा वितरित करती है, तो पर किसानों की मांग यह है कि जिस रेट से गाज़ियाबाद में मुआवजा वितरण हुआ उसी रेट से यहाँ पर भी होना चाहिए। तो गाज़ियाबाद में सर्किल रेट डिफरेंट था, तो उस हिसाब से वहाँ पे उसका 4 गुना वितरित हुआ। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लीजिए तो अगर किसी की मतलब सर्किल रेट यहाँ पे 1,000 रुपये बीघा है तो 4,000 रुपये सरकार ने दिए। अब ये ज़रूर हो सकता है कि किसी की थोड़ी सड़क की तरफ आ रही होती है तो बिक्री वाले रेट जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं कि 1,000 रुपये बीघा की जगह 2,000 रुपये बीघा में ज़मीन बेची जा सकती है, तो उसे भी 4,000 मिले हैं जिसकी 2,000 रुपये बीघा की ज़मीन थी, क्योंकि सर्किल रेट उसी उसका भी सेम था सरकारी कागजात के हिसाब से। तो ये एक उनकी मांग है। अभी कितनी जायज़ है कितनी ना जायज़ ये आप लोग सोच के बताइए, क्योंकि अकाउंट में पैसा ले लिया, सबने अपनी ज़मीन बेची, उस टाइम पे किसी ने कोई आपत्ति भी नहीं डाली, और उसके बाद ये आंदोलन फिर से तेज़ किया जा रहा है कि पैसा और मिलना चाहिए। इसमें एक आयरनी और जुड़ी हुई है, मैं उसको कभी उल्लेख करूँ अभी। और दूसरी बात मैं बताऊँगी, देखिए किसानों के साथ हर किसी की सिंपैथी जुड़ी हुई है, वो हमारे देश का अन्नदाता है। अखबार क्योंकि किसान यूज़ करते हैं इसलिए मेरे को भी किसान वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, वरना मैं लैंड ओनर्स कहना चाहता हूँ। और सब ने अपनी ज़मीन बेची, अकाउंट में पैसा लिया, और उसके बाद सोचा कि पता नहीं मतलब कि हाँ टाइम तो है, एक बार आंदोलन करके भी देख लेते हैं। तो मैं इस मांग को पूरी तरह से नाजायज़ मांगता हूँ, और उसके मतलब बेसिस पे आपने मतलब कोई आपत्ति भी नहीं डाली, अपनी ज़मीन भी दी, और उसके बेसिस पे शक्ति प्रदर्शन करके काम रुकवाना बिल्कुल नाजायज़ है। आयरनी अब देखिए आप कि गंगा एक्सप्रेसवे पे पहले अलाइनमेंट अलग था, और अब न्यू अलाइनमेंट के चलते कुछ गांव एक्सप्रेसवे वहाँ से नहीं निकल के कहीं और से निकल रहा है, तो वो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे यहीं से निकलना चाहिए, ये अलाइनमेंट चेंज कैसे हुआ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी ज़मीन एक्सप्रेसवे में आए, उनको अच्छा मुआवजा मिले, और रेट्स ही ऐसे हैं 4 गुना सर्किल रेट के कि किसी को भी कोई आपत्ति होती नहीं है। आपत्ति तो दूर की बात, हर कोई चाहता है कि यहाँ से एक्सप्रेसवे निकले, पर एक बार निकल जाने के बाद बाद में पॉलिटिकल ग्रुप्स की वजह से ऐसे आंदोलन खड़े हो जाते हैं। ये देखिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन पैच, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट, दोनों तरफ से भराव करके इसको जोड़ दिया जाएगा, 2 महीने का काम इसमें मेरे को दिखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहता हर कोई है, वहाँ पे एक अलग तरह का आंदोलन स्वरूप लेता हुआ कि यहाँ से निकले एक्सप्रेसवे, और यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्रेसवे निकल चुका है, जिनकी ज़मीनों से, जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची बिना किसी आपत्ति के, पैसा लिया, और उसके बाद आंदोलन इस तरीके से नहीं नहीं नहीं, नहीं कि उतना नहीं मिला जितना हम चाह रहे थे और दिया जाए, तो ये कितना जायज़ है ये आप लोग तय कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का 3rd पार्ट इसके बाद आएगा, जिसमें कि मैं लाउंज एरिया दिखाऊंगा जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी, खाने पीने से लेके पेट्रोल भरवाने की सुविधा और रिफ्रेशमेंट की सभी उपलब्धता, टायर वर्कशॉप हर चीज़, तो वो एरिया भी मैं दिखाऊंगा। तो पार्ट 3 ज़रूर देखिए, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो भी आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।